हो जाने हैं बच्चों। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है पूरा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, और जिसका पिछला ज्ञान स्ट्रांग है उसके लिए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन जिसका पिछला ज्ञान थोड़ा सा वीक है उसको हमें रिवाइज कराना पड़ेगा तब बनेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, एक पॉइंट भी नहीं बने तो तुरंत पूछना है। ठीक है, पूछने पे नहीं संकोच करना है। एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, हिस्ट्री से लेके मॉडर्न टाइम तक सब कुछ बताएंगे आपको। तो इस चैप्टर का या पूरी केमिस्ट्री से आप जब डील करोगे कभी भी तो एक नाम आपको सुनने मिलेगा अगेन एंड अगेन, दैट इज मोल। मोल, अब बच्चों आप मोल पढ़ने वाले हो और मोल के बाद आप पढ़ने वाले हो मोलर कंसंट्रेशन, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, ये सब पढ़ने वाले हो। नाम ये सब आपको अभी सुने हैं फर्स्ट टाइम, इसलिए बाकी कुछ नहीं है। अरे चुटकियों में ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं इसके, लेकिन वो चुटकी तभी बजेगी जब पीछे के बनेंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। जैसे अभी इसके पहले हमें मास ही नहीं पता थे बहुत सारे एटम के, अभी वो हमने याद किए। फिर जब एटम के मास हमें पता चल गए तो हमने मॉलिक्यूल के मास निकालना सीखे। तो इन सब की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों, ये मोल कॉन्सेप्ट 12th में भी आपको मिलेगा, और मोलर कंसंट्रेशन 12th में मिलेंगे आपको। अब जैसे 12th में जो बच्चे हैं जिनको दिक्कत थी, जो न्यू स्टूडेंट थे हमने उनको फिर से समझाया, और जो पुराने बच्चे थे जिन जो लास्ट ईयर ही हमसे पढ़ गए थे वो तो क्वेश्चन देखते थे आंसर तुरंत। अब इसमें फ़र्क क्या था, उनको पहले से पता था मोल कैसे निकालते हैं, जिनको नहीं पता। तो अब आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, कुछ नहीं, हमें आप लोगों से सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए, वो है कि समझ में नहीं आए तो पूछना है, और बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए सपोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया मतलब बन गया, डालिए हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं मोल के आपको। मोल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले इसमें लिखिए द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जानते हो क्या, इंट्रोड्यूस्ड बाई कोई जानता है क्या, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है। एवोगैड्रो, एमिडो एवोगैड्रो, इनका ये फुल नेम है। इनने मोल शब्द दिया था, मोल होता क्या पूरा, एक ही चीज़ दिखनी है। तो विजेता, ये जो मोल शब्द है इसको किसने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कराया था, इसका परिचय किसने कराया था, एमिडो एवोगैड्रो। अभी ये बहुत कुछ बताने वाले, आप देखते तो जाओ। अगले 3-4 दिन मोल ही मोल चल रहे हैं। अब द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एमिडो एवोगैड्रो, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मोल वर्ड किसने दिया था, एमिडो एवोगैड्रो ने। ठीक है, अभी तो आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, अभी मॉडर्न टाइप वाला मोल आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर लाइन क्लीन करके लिखिए। ये जो मोल है ये लैटिन वर्ड है, आप जानते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, जैसे हम आपको एक बताते हैं सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, सोडियम का एस क्यों नहीं होता, क्योंकि सोडियम कहाँ से लिए हुए हैं, लैटिन नाम से। तो सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम। आयरन,
आयरन का सिंबल आई क्यों नहीं होता? क्योंकि आयरन कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से। इसका नाम होता है फेरम। अभी सब लिखवा देंगे हम। तो ये लैटिन वर्ड होता है मेल नहीं, सॉरी बच्चों, मोल। मोल, मोल कौन सा शब्द है? लैटिन वर्ड है। लैटिन इज वन टाइप ऑफ लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है हीप। और पाइल इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? हीप और पाइल। और हीप और पाइल की हिंदी होती है ढेर। ढेर, ढेर ही तो है। कितना बड़ा ढेर है? 6.02×10^23। कोई भी चीज़ एक मोल होगी तो वो कितना नंबर रिप्रेजेंट करता है? इतना बड़ा नंबर। अब कितना सारा ढेर है, समझ रहे होगे आप? 23, 10^6 भी हो जाती तो वो 1,000,000 हो जाता है, 9 हो जाती तो वो 100 करोड़ हो जाता है, 1 अरब। तो ये ढेर होता है इसका मतलब। मोल का मतलब होता है हीप और पाइल, जिसकी हिंदी होती है ढेर। हीप एंड पाइल इज द इंग्लिश वर्ड, आप अगर जानते हो तो। ढेर, एक एक चीज बिल्कुल। अभी तो हम आपको इसको प्राचीन बता रहे हैं, आया कहाँ से। चलिए एक एक चीज। अब बच्चों सुनो, मोल के कुछ और नाम जानो, ठीक है ना? क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे आप तो बहुत घुमा के देते हैं, है ना? सीधी सीधी रस्सी में 100 गांठ लगा देते हैं। वो 100 गांठ ही खोलना है तो पूरा डीप पता होना चाहिए। फिर से लाइन चेंज करो। मोल इज ऑल्सो कॉल्ड मोल को कुछ और भी कहा जाता है। बता सकते हो आप लोग मोल को क्या कहा जाता है? मोल इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखवाया हमने पहले, कहीं ना कहीं वो नाम हमने लिखवाए हैं। पकड़ गए लेकिन बोल नहीं पा रहे। मोल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, मोल का ही नाम है। मोल को ही हम 3 और नाम से पुकारते हैं। मोल को ही हम कहते हैं ग्राम एटम। ध्यान करो, ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन में लिखवाया है। मोल को ही हम कहते हैं ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूल। और मोल को ही हम कहते हैं ग्राम फॉर्मूला। नोट करो, ये तीनों मोल ही हैं। अभी मोल कैलकुलेट करना सिखाएंगे। मोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला। ये 3 मोल के ही नाम हैं। मोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फॉर्मूला। चलिए बच्चों, अब आते हैं फिर से आगे। कोई भी चीज़ अगर मोल हो गई तो वो कितनी हो जाएगी उसको देखते हैं हम, और वो नंबर आया कहाँ से वो भी देखते हैं हम, ठीक है ना? सब देखते हैं। लिखिए फिर से लाइन चेंज करके। 1 mole ऑफ एनीथिंग, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर 1 mole आप बोलोगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1 दर्जन कितना होता है? 2 दर्जन, हाफ दर्जन। बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन है, पर मोल एक इतना बड़ा नंबर है कि इसका यूज डेली लाइफ में नहीं किया जाता है।
क्या हो गया, एक छोट इस चौक में भी अगर आप पार्टिकल्स निकालोगे ना तो ये बिलियन ट्रिलियन में आएंगे। तो इसके नम इसको प्रेजेंट करने के लिए, अब इसका एक छोटा सा पार्टिकल उसके भी छोटे उसके भी छोटे उसके भी छोटे उसके भी छोटे, तो एक डस्ट के पार्टिकल को भी तोड़ो तो उसके छोटे से छोटे छोटे करके हजारों हो जाने हैं, तो इसमें तो यानी कितने पार्टिकल्स हो जाने हैं। तो इतने सारे पार्टिकल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कोई नंबर ही नहीं मिल रहा था। तो फिर अमीरो एवोगैड्रो ने एक नंबर निकाला, उसी नंबर को उन्होंने नाम क्या दिया, ढेर पाइल। तो उन्होंने कहा ढेर पाइल बोलने में अच्छी, उन्होंने कहा कोई अच्छा सा शब्द, तो लेटिन में गए और लेटिन से वो लेके आए नाम मोल। आप लोगों ने जब SI यूनिट पढ़ी होगी तब भी पढ़ा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल। हाँ वो यूनिट में मोल लिखते हैं, यूनिट मोल, अभी वो करवा देंगे। तो कोई भी चीज़ एक मोल हो गई तो आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल वैसे ही है, आप इसको बिल्कुल वैसे ही फील करो जैसे आप दर्जन को बोलते हो 12, तो दो दर्जन को 24, तो 3 दर्जन को 36, बिल्कुल वैसे ही है। बस ये नंबर बड़ा है तो कैलकुलेटर करना है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट्स 6.022×10²³ पार्टिकल्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑब्जेक्ट। ये नंबर कहाँ से आए वो भी हम हिस्ट्री बता रहे हैं, सब बता रहे हैं आपको। अच्छा 1 दर्जन 12, तो 2 दर्जन तो 1 मोल इतना, तो आपसे कोई 2 मोल पूछ ले तो, 3 मोल पूछ ले तो, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है जैसे आप बनाने का कर रहे हो। वैसे नंबर बड़ा है, बताओ आधा दर्जन कितना होता है, 6, तो आधा मोल कितना होगा। अब ये तुरंत ही बोल पाए हम, क्यों, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक बनाएंगे, जैसे 12 का आधा करने के 2 से डिवाइड, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे तो आधा मोल मिल जाएगा। ऐसे ही करने हैं आपको। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट्स कितने पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स, इतने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। आपसे कोई कह दे 1 मोल हाइड्रोजन गैस, दैट मीन कितनी हाइड्रोजन गैस, इतनी गैस। 1 मोल CO2 गैस, इतनी गैस। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। अभी हम सब लिखवा रहे हैं, खूब न्यूमेरिकल्स होने, लेकिन अभी इतना समझो। तो बच्चों अभी तक आपको इतना समझ में आया कि मोल वर्ड को दिया था अमीरो एवोगैड्रो ने, मोल की अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं एक लैटिन वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है खूब सारी क्वांटिटी को, और वो क्वांटिटी है दिस 6.022×10²³। अब ये क्वांटिटी, अच्छा मोल के 3 नाम भी सीखे हमने, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला। अब ये क्वांटिटी आई कहाँ से वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। इतना बड़ा नंबर क्या है, उनको ऐसे सपने आ गए थे कि ऐसा कोई नंबर है, ये नंबर मिला कहाँ से आखिर, इतना बड़ा नंबर उन्होंने निकाला कहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये नंबर निकाला है उनने कार्बन से। कार्बन अर्थ पे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, इसलिए इस नंबर के लिए जो एलिमेंट चुना गया वो कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम लिया गया, 12 ग्राम बोल दे या हम बोल दें 0.012 किलोग्राम, किसी भी ग्राम को किलोग्राम में ले जाना है तो किससे डिवाइड, 1000 से डिवाइड कर दो तो वो किलोग्राम में चला जाएगा। जैसे हम पूछें 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, पता था ना, ऐसे डायरेक्ट पता हमें, डिवाइड कर दो किलोग्राम में चल जाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन लिया गया, वे वैसे ही जैसे तुम कहते हो ना शक्कर दे दो 10 ग्राम 20 ग्राम शक्कर, हम इतनी लेते नहीं हैं, ये वैसे ही 12 ग्राम कार्बन लिया गया, तराजू में तौल के 12 ग्राम कार्बन लिया गया, 12 बिल्कुल साइंटिफिक लेब में, हिलनी नहीं चाहिए तराजू, बिल्कुल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड लगाई गई, हाईली साइंटिफिक मेथड, वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, पूरी हवा निकाल दी गई जहाँ ये कैलकुलेशन चल रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 12 ग्राम कार्बन ले लिया मान लो, 12 ग्राम 10 ग्राम इतना कुछ कार्बन ले लिया, फिर 12 ग्राम कार्बन, और एक कार्बन के मास को इसको डिवाइड किया गया, एक कार्बन के मास से, एक कार्बन के मास से इसको डिवाइड किया गया। एक कार्बन का मास जल्दी बताओ, 12 एमयू बोल सकते हो, यूनिफाइड बोल दो, एमयू बोल दो, डाल्टन बोल दो, एक ही है। अभी हमने सीखा था एक का मास लिखोगे कभी भी तो यूनिट क्या लगेगी, यू। एक कार्बन का मास लिया गया 12 एमयू, इसी से इसको डिवाइड करना है। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन है? अब एक चीज बताओ, सुनना ध्यान से, हम कह दें एक एप्पल है हमारे पास, उसका वजन है ऐसे मान लो 10 ग्राम, और 10 ग्राम जितने भी एप्पल हैं सब 10 ग्राम के हैं, है ना? तो कुल मिला के हमारे पास 500 ग्राम एप्पल हैं, तो आप बता सकते हो कितने एप्पल होंगे, कितने एप्पल होंगे? 50। अरे बच्चों और सिंपल दो ना, काहे को इतना कठिन। अरे सही हो बेटा तुम दिव्यांग, तुम कैसे सॉरी बोल रहे, तुम तो सही हो। हाँ अब बाई डिफॉल्ट सही हो गए, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा बताओ, एक एप्पल 10 ग्राम का है ना, तुम लोगों को बड़ा कैलकुलेशन दो, तुम लोग सोचो कुछ कठिना दे दिया। तो हमारे पास कुल 20 ग्राम एप्पल है, बताओ कितने भाई होंगे? अब छोटा सा दे दिया तुरंत बता दिया दो, अब बड़ा दे दो। अच्छा एक एप्पल 10 ग्राम का है तो कुल एप्पल हमारे पास 50 ग्राम है, तो कितने होंगे? तो ऐसे ही तो बच्चों जीते, एक एप्पल 10 ग्राम का है कुल 500 ग्राम है, कैसे निकाल रहे हैं? एक ग्राम एप्पल से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 500 ग्राम एप्पल हैं। एक कितने का है? 10 ग्राम का, तो कितने एप्पल हो गए? 50 एप्पल। तो 12 ग्राम कार्बन लिया, अब इस 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने पार्टिकल्स है? अब हम इसको कैसे पता करें? बस इसी मेथड से, 12 ग्राम 500 ग्राम एप्पल, हमने क्या किया एक एप्पल के मास से डिवाइड कर दिया, तो हमें कुल एप्पल पता चल गए। तो अब इस 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने पार्टिकल हैं, इस पता को पता करने के लिए हम एक कार्बन के मास से इसको डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कुल कितने पार्टिकल्स हैं। तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 एमयू। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ यूनिट ग्राम में और यहाँ ले लो संजना, तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया संजना, तो आप इसको ग्राम में ले जाएं, तो 12 और एमयू की वैल्यू जल्दी बताओ, 10 vs 24 ग्राम, एक 12 एमयू चाहे इतना लिख दें। और इसका रिजल्ट भी बताया था हमने, जल्दी बताओ प्राची, इसका सोल्यूशन भी किया था हमने, कितना आया था कार्बन का एक्चुअल मास? सानिया, तन्वी, विजेता, अरे भैया दो दिन पहले की चीज, 1.922 × 10³³ ग्राम, यही आया था इसका सलूशन, किया था जब हमने बताया था कि एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? इतना, इतना मास होता है एक कार्बन एटम का। तो हमारे पास कुल कितने कार्बन थे? इतने 12 ग्राम कार्बन थे, 12 ग्राम कार्बन ले आए हम, 12 ग्राम, और इसमें से एक छोटा सा कार्बन, और छोटा और छोटा, अब चश्मा लगाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, और छोटा और छोटा लगाओ, हाई स्पेक्ट्रोस्कोपी चश्मा और बढ़िया चिमटी, और छोटा अब दिख नहीं रहा, और छोटा, तो एक छोटे से कार्बन का मास कितना होता है? इतना। अब इतने ग्राम कार्बन देखने हैं हमें,
कि इतने ग्राम कार्बन में कितने, तो एक कार्बन का इतना होता है, तो हम एक कार्बन से टोटल को डिवाइड करते तो हमें पता चल जाए कितना है। तो 1.992×10^23 ग्राम से इसको डिवाइड कर दें। बच्चों पहले ध्यान से समझो, हर चीज़ में हाँ नहीं कहना है, ध्यान से देखो आप पहले। वेद नहीं, अभी अभी एक मिनट पहले हमें बोलना, फिर आपको। हमारे पास कोई चीज़ है 100 ग्राम, कोई चीज़ 100 ग्राम है, और उस चीज़ में से एक का मास है 10 ग्राम, तो वो कुल कितनी है हमारे पास? 10 है, ऐसे ही निकालेंगे, इसमें कोई डाउट? राची, 100 ग्राम हमारे पास मान लो कोई चीज़ है और एक का मास है 10 ग्राम, तो 100 ग्राम में वो चीज़ कितनी है पता करना है। हमारे पास एक चौक उठा लाए हम इतनी सारी, ये वाली, और हर का मास किस, इतनी सारी चौक उठा लाए हम, 200 ग्राम चौक उठा लाए हम, और हमें बता दिया गया 200 ग्राम चौक कितनी है उठा लाए, और हमसे सामने वाले ने कह दिया कि हर चौक का मास बिल्कुल एक सा है। अब वो कहते हैं कि 200 ग्राम चौक में कितनी चौक है बताओ, तो हमने उनसे कहा सिर्फ हमें एक चौक का मास बता दो आप, एक चौक का, तो उन्होंने हमें एक चौक का मास बता दिया 10 ग्राम है, तो टोटल कितनी चौक लाए हम? 20, ऐसे निकाला हमने। इसी प्रकार 12 ग्राम कार्बन में कुल कितने कार्बन है हमें पता करना है, तो हमने कहा सिर्फ हमें एक कार्बन का मास बता दो आप, तो एक कार्बन के मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें कुल पता चल जाएंगे। तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 mu, अभी सीखा हमने 3 दिन पहले। इसको और सिंपल फॉर्म में ले गए एक्चुअल मास में, तो इससे mu की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 10^24 ग्राम। अब इसको हम सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं, तो कितना आता है? 1.9923 भैया चले जा पढ़ लें, दो किसका दोस्त है छोड़ के आओ बाहर। अरे तन्वी, दिव्यांश तो बहुत ही भैया खतरनाक है, डेंजर जानवर को तुम्हारे पर छोड़ दो तू, चलो थोड़ी देर वहाँ खेलेगा वो, चलो और बाहर चला गया, देख रही हो जानवर आता कौन से ना जाए अंदर तुम्हारे वो सीधे हम तो लड़ गए भी, पर लड़ तो गए भी हम, पर जीते भैया कोई। देखो तो अब हम पता कर लें कि 12 ग्राम कार्बन में कुल कितने कार्बन है, तो इनवर्स की 23 ऊपर जाएगा तो पावर की 23, और 1.992 से अब 12 को डिवाइड करो तो कितना आने वाला है? 6.022। एक रैंडम जी ले ले, अगर यहाँ 2 होता यहाँ, तो सीधे 2 6 जा क्या आ जाता? 12, तो 6 तो आ ही जाती, लेकिन यहाँ 2 है नहीं, थोड़ा सा कम है, तो 6.02। तो ये नंबर कैसे आया है? ऐसे आया है, मतलब 12 ग्राम, इसको फील करो बच्चों आप लोग, फील 12 ग्राम आप कार्बन लेके आए, तो इसमें आप छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे कितना छोटा, तो कितने पार्टिकल निकल आएंगे? इतने सारे, समझ आ रही बात? अगर हम इतनी सी भी चौंक ले लें, इतनी सी भी ए, तो इसी में 1000-2000 पार्टिकल निकल आने, ये तो दिख रहे हैं अभी, और छोटा और छोटा और छोटा और, हाँ इसी को फिर 1 मोल कह दिया गया। तो ये मोल आया कहाँ से, आज के बाद कोई पूछ ले तो आपको बहुत सिंपली बताना है कि 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन के एटम होते हैं, जो कार्बन के पार्टिकल होते हैं, वो कितने होते हैं? इतने होते हैं। ये नंबर ऐसे ही नहीं ले लिया गया, इसके लिए एमिगडो एवोगैड्रो ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, ऐसे ही नहीं ये नंबर मान्यता प्राप्त हो गया IUPAC से।
तो मोल एक नंबर है जो कहाँ से लाया गया है, 12 ग्राम कार्बन से। तो 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.022×10³। तो अब मोल का स्टेटमेंट लिखने वाले हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। डेफिनीशन ऑफ मोल, बच्चों ये फील करना है आपको, रटना नहीं है डेफिनीशन, कोई को विश्वास ना हो तो लैब में जाइयो, कार्बन आर्बन ले आइयो, तोल दइयो 12 ग्राम, चलो जाओ घर में गिनो, एक आध साल में गिन ही ले इतने सारे, और नहीं तो कह दो गिन लिए गए हैं और अच्छी लैब में काउंट किए गए हैं, IUPAC की लैब में काउंट किए गए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री IUPAC। ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जो पूरे केमिस्ट्री की रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जैसे क्रिकेट की ICC, वैसे केमिस्ट्री की IUPAC, इंटरनेशनल। जैसे हमारे भारत में नोटों के लिए सबसे ऊपरी ब्रांच कौन है, बैंकिंग में बात करें तो रिजर्व बैंक, और उससे भी ऊपर बात करें तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को अगर हम इंग्लिश में बोल दें तो इकॉनमी, वित्त मतलब इकॉनमी, तो इकॉनमी मंत्रालय, होम इकॉनमी मिनिस्ट्री कह सकते हो आप, जैसे गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री, तो इकॉनमी मिनिस्ट्री अभी हम लिखवा देंगे, इंटरनेशनल यूनियन अभी हम जाते समय लिखवा देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई। तो डेफिनेशन लिखिए, लिखिए वन मोल ऑफ एनी थिंग, वन मोल ऑफ एनी थिंग रिप्रेजेंट्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं किलोग्राम में, 0.012 किलोग्राम। वन मोल ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, और इसके लिए कौन सा कार्बन लेना है, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, 6, 12, 13, 6, 14, लेकिन नेचर में कौन पाया जाता है, तो ए वाला कार्बन लेना है हमें, यही इसका लिया था ना, 12 mu लिया था हमने अभी, है ना। तो वन मोल ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। That is equal to, जल्दी बताओ कितने, That is equal to 6.022×10³ पार्टी। जैसे दर्जन एक वर्ड आ गया, अब दर्जन सिर्फ केले के लिए यूज करते हैं क्या, अब दर्जन कहीं भी हो गया वो एक नंबर मिल गया, अब उसको आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो, इसी प्रकार जी एक नंबर मिल गया, अब आप इसको किसी भी पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आपने एक दर्जन बोला तो 12, इसी प्रकार को फिक्स हो गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल प्रोटॉन, एक मोल नाइट्रोजन गैस, एक मोल हाइड्रोजन गैस, ऐसे। तो वन मोल ऑफ एनीथिंग